सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोने जा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोने जा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोने जा। न घर ए गाड़ी फ्री में मिलंदी आहे, ए न कपड़ो लतो, पर हाँ रिश्तो.com ते रजिस्ट्रेशन बिल्कुल फ्री में मिलंदी आहे, जिते 30,000 खां वधीक प्रोफाइल्स रजिस्टर्ड आहिन, ए जिते खास करे छोकरिन जा प्रोफाइल्स सेफ ए सिक्योर्ड रखिया वेंदा आहिन। त जल्दी ही पंहिंजो नालो रजिस्टर करायो, थी सघे थो तव्हांजो जीवन साथी तव्हांजो इंतज़ार कंदो हुजे। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक शेर को मारने के लिए 100 चिल्ली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। पूर्व मंत्री जितेंद्र अहवार ने सिंधी समाज को कई अपशब्दों को लेकर अब उनका विरोध शुरू हो चुका है, जहां आज उल्लासनगर शिवसेना की तरफ से पूर्व मंत्री जितेंद्र अहवार का निषेध करते हुए कैंप 3 के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर विरोध प्रदर्शन करते हुए जितेंद्र अहवार के फोटो को जूते मारे गए और जितेंद्र अहवार के पुतले को भी जलाने की कोशिश की गई, पर पुलिस ने उनको पुतले को जलाने से रोक दिया गया। पर शिवसैनिकों ने जितेंद्र अहवार के खिलाफ जमकर घोषणाबाजी भी की। सत्ताईस मई शनिवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अरावा बैठक में पूर्व मंत्री जितेंद्र अहवार ने अपने भाषण में सिंधी समाज को लेकर अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसे लेकर अब उनका विरोध हो रहा है। वहीं उल्लासनगर शहर में सबसे पहले शिवसेना सिंधी समाज को अपमानित करने वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र अहवार का निषेध करते हुए और जितेंद्र अहवार को सिंधी समाज से माफी मांगने की बात कही गई। लेकिन अब भी बीजेपी असमंजस की स्थिति में है, जहां उल्लासनगर के आमदार और बीजेपी शहर अध्यक्ष की तरफ से कोई भी बयान नहीं दिया गया है। अब शहर में चर्चा शुरू है कि सिंधी समाज को कहे हुए अपशब्दों के खिलाफ आखिर सिंधी नेता क्यों चुप हैं? हालांकि बीजेपी के प्रदीप रामचंद्रानी और महेश सुक्रमानी की तरफ से जितेंद्र अहवार द्वारा कहे हुए शब्दों का मीडिया में बयान देते हुए अहवार का विरोध किया और उनसे माफी मांगने की भी बात कही थी। एक शेर को मारने के लिए 100 चिल्ली कुत्ते भी कुछ नहीं कर सकते। हम तुम्हारे साथ। काल 2 दिवसापूर्वी या उल्हासनगर शहरामध्ये माजी मंत्री जितेंद्र अहवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या काहीतरी बैठक आयोजित केली होती। त्या बैठकीमध्ये त्यांनी पक्षाला द्यायच्या ज्या सूचना केल्या, परंतु आजकाल हा नवीन फंडा या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीमध्ये चालू झालेला आहे। आपलं महत्त्व वाढवण्यासाठी काहीतरी रोज नौटंकी नाटक करायचं आणि थोर पुरुषांबद्दल काहीतरी अपशब्द वापरायचे, हा त्यांचा रोजचा फंडा झालेला आहे। परंतु ह्या देशामध्ये आणि ह्या राज्यामध्ये मराठी लोकांबरोबर गुजराती इतर भाषिक लोकांबरोबर सिंध समाज पण खूप मोठ्या संख्येने ह्या उल्हासनगरमध्ये राहतो आणि त्या सिंधी समाजातील लोकांना अपशब्द वापरून चिंदी म्हणावं किंवा एखाद्या श्वानाचं नाव देऊन त्यांना संबोधित करावं असा अपशब्द वापरून त्यांनी जो हा जो काय त्या धर्माचा अपमान केलेला आहे, त्या जातीचा अपमान केलेला आहे, त्यासाठी आम्ही हा निषेध करतो। आजकाल त्यांना असं वाटतं की एखाद्या कुठल्या माणसाला अपरत्यत बोलल्यानंतर आपली प्रतिमा वाढेल किंवा राष्ट्रवादी पक्ष हा पुन्हा या उल्हासनगर शहरामध्ये वाढेल, परंतु या राष्ट्रवादी शहरामध्ये पक्षाची जी वाताहत या संपूर्ण राज्यामध्ये झालेली आहे आणि तिला उभारी देण्याकरता असे घाणाड्या प्रकारचे हे वक्तृत्व करणं हे ना शोभत नाही। आज हे समतेचे पुजारी म्हणून या थोर पुरुषांना मान देताना एखाद्या जातीय धर्मावर तेढ निर्माण करण्याकरता एखाद्या समाजाला उद्देशून जे त्यांनी काय भाषण केलेलं आहे त्याबद्दल त्यांनी माफी मागितलेली आहे, याचाच अर्थ त्यांनी त्या सिंधी समाजाला बोललेला आहे। मी संपूर्ण उल्हासनगरवासियांच्या वतीने, संपूर्ण उल्हासनगरच्या वतीने या जितेंद्र अहवारचा मी निषेध करतो, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा मी निषेध करतो। त्यांचे विचार या अधोगतीला जाणाऱ्यासाठी हे नेते कारणीभूत ठरणार आहेत, असं त्यांचं त्यांना त्यांचं जे होईल ते त्यांचं होईल, परंतु या समाजाबद्दल त्यांनी या उल्हासनगर शहरामध्ये येऊन लोटांगण घालून माफी मागावं ही अशी अपेक्षा आहे। आणि येणाऱ्या काळामध्ये या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाला हे सिंधी समाज आसमान दाखवल्याशिवाय राहणार नाही, एवढंच मी सांगेन। उल्हास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्हास लाइन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।